होली के दिन आनंद विहार में एक शख्स की पेचकश से वार करके की गई हत्या। घर के पास की कॉलोनी में गया था घर का सामान लेने, पुलिस जुटी मामले की जांच में। लक्ष्मी नगर में 24/7 स्टोर में बदमाशों ने की लूट। दिन दहाड़े स्टोर में घुसकर 15,000 रुपए और सिगरेट लेकर हुए फरार। होली पर शराब की बिक्री हुई कम, शराब व्यापारियों को हुआ नुकसान, शराब विक्रेता दिखे असंतुष्ट। ईस्ट एमसीडी अतिक्रमण पर कसेगी लगाम, अतिक्रमण पर नजर रखने के लिए लगाए जाएंगे सीसीटीवी, दुकानदारों ने बताया अच्छा फैसला। और केजरीवाल ने किया दावा कि पंजाब से खत्म करेंगे भ्रष्टाचार, पूर्व दिल्ली के लोगों ने कहा नहीं खत्म हुआ भ्रष्टाचार, काम अभी भी दलालों से ही कराना पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। 2 सालों के बाद लोगों ने होली का त्यौहार पूरी खुशी से मनाया, लेकिन ये खुशियों का त्यौहार एक परिवार के लिए गम में बदल गया। दरअसल आनंद विहार रेलवे कॉलोनी में रहने वाला एक व्यक्ति रेलवे में नौकरी करता था और वो होली के दिन घर का सामान लेने पास की जेजे कॉलोनी गया, जहां कुछ लोगों ने उस पर पेचकस से वार करके मौत के उसको घाट उतार दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि वो शख्स वहां लड़ाई सुलझा रहा था, जिसके कारण से कुछ लोगों ने उसके साथ मौजूद उसके दोस्तों पर वार किया, जिसमें 3 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 1 की मृत्यु हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आनंद विहार SHO मौके पर जाकर परिवार से बात की है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मेरे को कल खबर मिली शाम में कि आपके भाई को कुछ लोगों ने मारा है और बहुत बुरी तरीके से मारा है, और मैं यहाँ आज आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे भाई की लाश यहाँ पे मिलती है देखने को, और अभी तक जो अपराधी हैं वो बेखबर घूम रहे हैं, पुलिस कोई भी अभी तक कोई पकड़ नहीं की है, और मैं चाहता हूँ, अपील करता हूँ पूरे जनता जनार्दन से, पूरी सरकार से कि इनको ज़रूर पकड़ा जाए। और दूध लेने गए थे और धारदार पेचकस वगैरह से बता रहे हैं किसी नोकीली चीज से वार किया इन लोगों ने, वो और कह रहे हैं जिसने नाम लिखवाया उन बंदों को भी मारेंगे, और एक लड़की मेरी भांजी ने नाम लिखवाया उसको भी डरा रहे हैं कि उसको भी हम जान से मार देंगे। हाँ, इस लड़की ने मतलब नाम बताया ना, तो इसको भी धमकी दे रहे हैं कि उसको जान से मार देंगे हम। जेब कतरे हैं, झुग्गी का कोई आता है पता नहीं, ओमपाल नाम है उसको सब पता है, और जिससे कांड हुआ है उसका नाम दिनेश है, दिनेश से पता करो सब पता चल जाएगा आपको। रेलवे में काम करते थे, ये आनंद विहार झुग्गी गए थे सामान लेने दुकान पे, तो वहाँ पे रिश्तेदार रहते, कलर लगाने गए थे सिर्फ, तो कुछ नहीं हुआ इन लोगों जेब कतरों ने, उन दिनेश नाम है उससे बहस हुई थी, दिनेश ने बुला दिया जेब कतरों को, उनको पेचकस मारा है। झगड़ा हो रहा था ये रिश्तेदार थे, मैं वहाँ गया छुड़ाने, बस मार चले। काफी सारे थे सर। एक लड़का ने बताया कि दोनों हुआ राम बहादुर हुआ वहाँ करके उनके मार दे चाकू, तो एक लड़का बताया ना वहाँ पर है। पूर्व दिल्ली के लक्ष्मी नगर के 24/7 स्टोर में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और स्टोर में अंदर घुसकर बंदूक के बल पर मौजूद स्टाफ और कस्टमर को बंधक बना लिया। इसके बाद काउंटर में रखा सारा कैश और सिगरेट की डिब्बियां लूटकर फरार हो गए। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। आपको बता दें काउंटर में तकरीबन 15,000 रुपए रखे हुए थे। पूरी वारदात स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस लुटेरों की पहचान करने में जुटी हुई है। दिल्ली में ड्राई डे कम होने से होली के दिन भी शराब की दुकानें खुली रहीं, लेकिन शराब की बिक्री ज्यादा नहीं हुई। शराब मालिकों का कहना है कि होली पर जो बिक्री होनी थी वो नहीं हुई, इसका वजह यह है कि पिछले महीने स्टॉक खत्म करने के लिए जो स्कीम निकाली थी वो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री और पेटी के साथ पेटी फ्री, इससे व्यापार पर काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि लोगों ने शराब का स्टॉक अपने पास पहले ही कर रखा था,
जिसकी वजह से होली पर शराब व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। कुछ शराब मालिकों का कहना है कि पुलिस उनको परेशान भी कर रही थी, कुछ दुकानें तो बंद भी थीं, जिस वजह से व्यापारी असंतुष्ट दिखाई दिए हैं। इस बार तो होली पे बिल्कुल भी कम सेल आई है, मतलब जब से पहले जब सेल होती थी तो उसका मतलब 30% भी नहीं आया। पहले जो ऑफर चल रहा था वैसे एक के साथ एक फ्री, तो उस करके लोगों ने काफ़ी स्टॉक ले लिए था पहले ही एडवांस में, तो उसका क्रम से होली पे काफ़ी प्रभाव पड़ा। अब देखते हैं जब तक लोग अपनी जो दाहर हुए ख़त्म नहीं करेंगे, जो उन्होंने उठाया कूटा, तो इससे पहले तो वैसे ही रहेगा लगता है। ये तो जैसे हमारे ग्राहक बोल रहे थे कि इस बार दिल्ली में पहली बार खोले ठेके होली के दिन, तो इतना पता भी नहीं ग्राहकों की ठेके खोलने हैं, वो पूरे ग्राहक आ भी नहीं सके। पूर्वी दिल्ली नगर निगम काफी कोशिशों के बावजूद भी मेन सड़कों से अतिक्रमण को हटाने में नाकाम साबित हो रही है। समस्या को खत्म करने के लिए अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पूर्वी दिल्ली के दुकानदारों का कहना है कि अतिक्रमण बड़ी समस्या है, सभी बड़ी मार्केट्स में अतिक्रमण से लोग परेशान हैं, लोगों को पैदल चलने की जगह भी नहीं मिलती है और जाम भी लगता है। अगर वो सीसीटीवी लगाने के बाद अतिक्रमण पर काबू पाया जाएगा तो ये एक अच्छा कदम होगा। देखिए, सबसे पहले तो सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में सारी जगह लगने चाहिए, खासकर होलसेल मार्केटों में। सबसे पहले क्राइम ग्राफ भी जैसे दिल्ली पुलिस ने भी काफ़ी हद तक कम किया है, जैसे पीछे चोरी हो रही है सीसीटीवी कैमरे से वर्कआउट हो जाता है, केस जल्दी ख़त्म हो जाता। जहाँ तक आपका सवाल है एमसीडी का और पीडब्ल्यूडी का, देखो दो विषय हैं, ये खाली जो भी रूल है ये बनाने के ना हो, इससे अमेंडमेंट हो कि जो भी है अक्रोचमेंट कैसे ख़त्म हो सकती है। अगर ये ड्राइव चले तो कंटिन्यू ड्राइव चले, ये नहीं कि आप 10 दिन ड्राइव चले उसके बाद फिर बंद हो जाए। देखिए बात आपकी ठीक है, अक्रोचमेंट होने से दो दिखते हैं, अक्रोचमेंट होने से कल को कोई आगजनी हो जाती, कोई वारदात हो जाती, उसमें गाड़ी नहीं आ सकती, बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अक्रोचमेंट वाकई दिल्ली में इतनी फैल चुकी है, खाली गांधीनगर मार्केटों की नहीं, जितनी भी होलसेल मार्केट है सब जगह फैल चुकी है। कारगर तो साबित होगा और अक्रोचमेंट भी कम होनी चाहिए, इससे ऑफिस में बैठ के ही उनको पता लग जाएगा कि तो कहाँ कितनी एंक्रोचमेंट है, उसका चालान किया जाएगा और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, एंक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक जाम रहता है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, उसमें एंटी सोशल एलिमेंट जो होते हैं वो भी एक्टिव रहते हैं, पिक पॉकेट होती हैं, चेन स्नैचिंग होती है, सब कुछ होता है। देखिए जी, एंक्रोचमेंट के तीन चार रीजन्स हैं। एक रेड़ी वाला आ गया, रेड़ी वाला आगे दुकानदार के खड़ा हुआ है, रेड़ी वाले को हटाते हैं, वो भी नहीं हटता, तो इसलिए वो कहते हैं हम तो अपना हैंगर लगवा दें, उससे वो बेटर है, मुझे सेफ्टी होगी। तेरा जगह खाली है, स्कूटर लगाने वाला आकर लगा देता है, इस तरह हम दुकानदार भी आगे लगाते हैं। लेकिन ये तीनों का मिलकर होता है, कितनी भी पुलिस, इस वक्त पुलिस की इतनी शक्ति है और इतना जागरूक है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कमी आ रही है कि इंक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है। किसी भी एरिया में चले जाएंगे तो इंक्रोचमेंट का इतना हो कि पैदल निकलना भी मुश्किल होता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म कर चुके हैं। केजरीवाल ने दावा किया है कि पंजाब में आपकी सरकार है तो पंजाब से भी करप्शन खत्म करेंगे। वहीं पूर्व दिल्ली के लोगों का कहना है कि कोई भ्रष्टाचार दिल्ली में खत्म नहीं हुआ है, बल्कि किसी भी डिपार्टमेंट में काम के लिए जाते हैं तो वहाँ दलाल के जरिए ही काम करते हैं। जी हाँ, दलाल के द्वारा ही काम कराना पड़ता है, तो भ्रष्टाचार खत्म कहाँ हुआ, पंजाब के लोगों को जल्दी सब पता लग जाएगा। केजरीवाल तो कुछ भी कहता रहे, कहीं उसका कोई दावा नहीं है, बल्कि बड़ा है। कोई भी काम करवाना हो बिना पैसे दिए नहीं होता, अपने आप तो जा कर के चक्कर मारते रहो और बेवकूफ़ बन के आ जाओ, कहीं बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। और ये जो है, इसने जगह जगह अपना झूठा प्रचार करके, मैंने बोर्ड बना करके खूब पैसा जो लुटा रहा है पब्लिक का, और पब्लिक को कह रहा मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। यहाँ तो इसका झूठ चल गया और पंजाब में भी चल गया है। आगे पब्लिक ये देखेगी दो चार साल बाद कृष्णा वहाँ कितना करप्शन बढ़ा है। दिल्ली में जो है शराब के ठेके जगह जगह खोल दिए, हर गली मोहल्ले में खोल दिए, और वहाँ कैसे बंद कर लेगा। बिना करप्शन के तो अब आदमी का जीवन है ही नहीं। करप्शन इतना चरम सीमा पर है कि जब हम घर से निकलते हैं तो अपनी जेब में पैसे रख करके निकलते हैं, कब हमको रास्ते में जाना पड़ जाए, कौन से किस ऑफिस में जाएं, कौन सा अधिकारी या कोई भी क्लर्क, बिना पैसे के तो कोई काम नहीं होता है हमारे यहाँ पर। चाहे पानी का के ऑफ कार्यालय, इसमें कार्यालय में जाएं, जल बोर्ड के कार्यालय में, या कोई भी मतलब हमारे कुछ कॉलोनी में, हम नहीं 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 क्या ही गुना बढ़ा है। करप्शन हर डिपार्टमेंट में बहुत हाई लेवल पर चल रहा है। दिल्ली की दो तीन चीज़ें देखो, परिवहन, दिल्ली जल बोर्ड, शराब नीति,
तीनों में क्या हो रहा है? करप्शन का ही तो अड्डे बना रखे हैं, हर गली हर मोहल्ले में ये जो शराब के अड्डे खेले, क्या है? करप्शन का ही एक जड़ है। ऐसे ही परिवहन निगम में चले जाओ, वहाँ भी यही दिक्कत हो रही है कि दलाल काम करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड में चले जाओ, वहाँ भी यही दिक्कत हो रही है। तो चारों तरफ यही हालात हैं। रही पंजाब की, अगर जैसे दिल्ली में किया ऐसे ही पंजाब में होगा। झूठ बोल के अपना शासन कर लो, बाद में पोल खुलती है, लोग दुखी होने क्या लेना देना। पूर्व दिल्ली के मंडावली में नवविवाहित लड़की की मौत का मामला सामने आया है। लड़की का नाम निशा था और शादी के एक साल भी नहीं हुआ था। परिवार वालों का आरोप है कि निशा को बार बार दहेज के लिए परेशान किया जाता था। निशा को उसकी ससुराल वाले कभी कैश लाने के लिए कहते थे तो कभी गाड़ी की डिमांड करते थे। निशा के भाई ने बताया कि उसको रात को कॉल आया कि उसकी बहन की हालत काफ़ी सीरियस है, उसे मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब निशा का भाई अस्पताल पहुंचा तो उसको तो पता चला कि निशा की मौत हो चुकी है। परिवार का ये कहना है कि पुलिस उनके साथ कॉपरेट नहीं कर रही है। सर हमें भी एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जो सिस्टर थी ना हमारे पास ही थी, नेक्स्ट लास्ट फ्राइडे ही आई है यहाँ पे। तो दो चार दिन पहले सिस्टर का फ़ोन आता है कि जो ज्वेलरी रख के गई थी सारी ज्वेलरी उसके हस्बैंड ने बेच दिया, वो सट्टा जुआ वगैरह खेलता था। हमें भी आइडिया नहीं, बाहर भी पता लगा हमें इस चीज़ का कि वो जुआ खेलता था। जुआ खेलने के लिए उसने सारी अपनी ज्वेलरी बेच दी, तो उसने घर में बोला होगा तो उसको मारा भी था पहले कि तुम अपने घर वाले को क्यों बता रही हो चीज़ें। फिर कल शाम में जब बात हुई है, बड़े वाले सिस्टर से बात हुई थी, तो उसका हमसे वीडियो कॉल में बात, उसका फेस ना सूजा सूजा था। तो उससे पूछा कि क्या हुआ, हम आ जाते तेरे को लेने के लिए। उसने बोला नहीं आज मत, कल बताऊँगी सुबह। फिर सुबह फ़ोन आता है इनके घर वालों का कि आपकी लड़की कुछ ज़्यादा बीमार है तो हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवा रखा है, आप आ जाओ। फिर 10 मिनट के बाद मैंने दोबारा बैक कॉल करी कि अब जानने के लिए लड़की कैसी है, तो वो कहते हैं कि वो उसकी डेथ हो गई है, तो आप आ जाओ यहाँ पर उनको लेने के लिए। वो जब हमने उसकी बॉडी देखी तो ऐसा लग रहा है उसको मारा गया है, दूसरा गला दबाया गया। कल रात को हमें ऐसे उससे वीडियो कॉल पर एक बार मेरी बात हुई थी, रात को 10 बजे में भाभी के से बात, अपनी बहन से बात करने के लिए किया था, तो फ़ोन बच्चे के साथ मेरे पास ही था, तो उस टाइम में मैंने फ़ोन रिसीव किया और मेरी बात हुई, और उसके बाद में फिर भाभी ने बात किया। सुबह मैं सो के उठाऊँ तो मुझे बोला गया जो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और वहाँ से मैं और मेरे भाई सबसे पहले हम दोनों ही पहुँचे हैं, और जब तक हम लोग पहुँचे तब तक में उन्होंने हॉस्पिटल के सारे डॉक्यूमेंटेशन करके ख़त्म कर लिए थे। मैं आया तो मैंने बोला भाई क्या हुआ, तो बोला नहीं डेथ हो चुकी है, और हमने सारा इधर का डॉक्यूमेंटेशन कहाँ दिखवाया था पहले स्टार्टिंग, मुझे नहीं पता, मैं यहीं आया हूँ। उन्होंने बोला मैं इससे पहले भी कहीं लेके आए थे, उन्होंने यहाँ रेफर कर दिया। अब ले गए थे नहीं ले गए थे, मैं झूठ नहीं बोल सकता, अब पता नहीं कुछ हकीकत, मैं यहाँ पे आया। कोरोना महामारी को आए 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। पिछले 2 सालों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा देखें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा 26,000 से ज़्यादा कोरोना की वजह से मौत हुई है। हालांकि सबसे जल्दी मरीजों के रिकवर होने में भी दिल्ली आगे रहा। इस पर हमारे संवाददाता एरआर चौधरी ने एक्सपर्ट से बात की, तो उनका कहना था कि जब कोरोना दिल्ली में आया था तो दिल्ली का इंडस्ट्रियल एरिया बंद कर दिया गया था, जिसके बाद कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हुई, जिसके कारण से ऑक्सीजन बाहर से मंगानी पड़ी, और साथ ही दिल्ली का मैनेजमेंट सही साबित नहीं रहा। दिल्ली मैनेजमेंट ने अस्पताल को कोरोना डेडिकेटेड कर दिया, जबकि उन अस्पताल पर पूरी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण भी मौत का आंकड़ा बढ़ा है। दिल्ली के अंदर जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो बंद कर दी गई थी पहले, और इंडस्ट्री बंद करने की वजह से जितने ऑक्सीजन प्लांट है वो दिल्ली के बाहर थे, यूपी में चले गए थे। और जब कोरोना हुआ, बॉर्डर लॉकडाउन हुए, तो बाहर से ऑक्सीजन को दिल्ली में आने में जो है वो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, इससे दिल्ली में ऑक्सीजन की अच्छी खासी जो है वो कमी हो गई थी। दिल्ली ने अपनी बेड कैपेसिटी ऐसे बढ़ाई थी कि उन्होंने जो है वो बिना किसी से कंसल्ट किए उन्होंने नियुक्त कर दिया कि फलाने 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 अस्पताल जो है आज से कोरोना अस्पताल हो जाएंगे। तो इस तरह से मैनेजमेंट नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी उस हॉस्पिटल में आपने ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करी, ग्राउंड रियलिटी उन हॉस्पिटल्स के अंदर आपने जो है वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं दिए या फेबीफ्लू के आपने टेबलेट्स नहीं दी, और आपने जो है ये कह दिया कि इन हॉस्पिटल्स को जो है वो हमने कोविड हॉस्पिटल कर दिया है। जिस हॉस्पिटल में जो है वो 4 पेशेंट की कैपेसिटी है या 10 पेशेंट की कैपेसिटी है, उसमें आपने जो है 50-50 पेशेंट जो है वो रखे, और इस वजह से जो है मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हुआ, जिसकी वजह से जो है कोविड की डेथ दिल्ली के अंदर जो है वो ज्यादा हुई। दिल्ली में कोरोना के मामले अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और पूर्व दिल्ली की बात करें तो पूर्व दिल्ली के 3 सरकारी अस्पतालों में मिलाकर 1 मरीज भर्ती है। पूर्व दिल्ली के GTB अस्पताल में 100 बेड हैं पर कोरोना का 1 मरीज है, वहीं राजीव गांधी अस्पताल में 300 बेड हैं पर 1 मरीज नहीं है। साथ ही पूर्व दिल्ली के ESI अस्पताल में 18 बेड पर 1 मरीज नहीं है। सरकारी अस्पताल में सिर्फ 1 मरीज एडमिट है।
वहीं अगर दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल की बात की जाए तो पूरी दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पताल में मरीजों की संख्या लगभग 5 से भी नीचे है। पूर्वी दिल्ली के दलूपुरा में लोग गंदगी से परेशान हैं। इलाके में कूड़े का अंबार लगा हुआ है, सड़कों पर सीवर का पानी और घरों में नालियों का गंदा पानी जाता है। नालियों के साफ नहीं होने से वहां मच्छर पनप रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेता केवल वोट के समय ही नजर आते हैं और चुनाव के समय बड़े बड़े वादे कर चले जाते हैं। बार बार शिकायत करने पर भी कोई काम नहीं किया जाता। यहाँ के पार्षद 5 सालों में कभी नहीं दिखे और ना ही कभी सुध लेने यहाँ पर आए। वही निगम पार्षद ने सफाई देते हुए कहा यह जगह DSUB की लैंड है और जब हम वहाँ पर सफाई अभियान चलाते हैं तो आम आदमी पार्टी के लोग उसमें दखल अंदाजी करते हैं। पार्षद बातों को गोल गोल घुमाते हुए दिखाई दिए लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। जी कुछ भी सफाई नहीं है, यहाँ छोटे मोटे बच्चे हैं, आज सबके लिए बीमारी इतनी चल रही है। और हालांकि सब जगह सफाई होती है, झुग्गी झोपड़ी होते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी खत्म ही होता, इसके लिए भी कुछ साधन होना चाहिए यहाँ पे। और बीमारी हो ही रही है बच्चे, इनके लिए कोई बुखार है, जुखाम है, खांसी है, सब इस तरह से ही हो रहा है। पानी से मच्छर होते बीमार हो जाते हैं, जुकाम होती, हम सामने ही रहते हैं यहाँ पे सर, सोशल नौकरी करते हैं, कोई नहीं आता। सबसे बोला कि MCD वाले बंदे भी आए थे, हमने उनसे भी बोला था कि मन की भाई यहाँ का कुछ साधन करो, ये बीमारी की जड़ है, छोटे छोटे बच्चे सभी लोग यहाँ रहते करते हैं, तो कोई नहीं सुनता है, कभी भी नहीं आता। हम लोग खुद ही सफाई करते हैं यहाँ पे, हम लोग जब से बसे हैं ना, जब भी इलेक्शन होता है तो 4-5 को लगा देते हैं सफाई करने के लिए। जहाँ इलेक्शन खत्म हुआ कोई झांकी मरने भी नहीं आता। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो एक पोर्शन है और वो डोसुक की एक लैंड है जो डेयरी फार्म के साइड में 6 नंबर रोड के साथ में है, जिस पे बहुत सारा, मैं 3-4 बेन इंक्रोचमेंट के प्रोग्राम भी लगवा चुका हूँ, जहाँ पे उन्होंने खत्ता कबाड़ियों ने अपना गोदाम और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, जिसमें हमारी MCD लगातार सफाई अभियान भी और लगातार उसको लेके काम। देखिए मैं आपको बता दूँ, वो मेरी लैंड नहीं है, वो डोसुक की लैंड है जिस पे हम ड्राइव चलाते हैं और आम आदमी पार्टी के लोग वहाँ मौके पे पहुँचे हैं और हमारी ड्राइव का विरोध किया, एक बार नहीं 20 बार। आज जल बोर्ड का पानी लीकेज है, मैं लगातार उसकी 20 बार कंप्लेंट कर चुका हूं, जिसको लेकर के कोई काम नहीं हुआ है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।